दोस्तों नमस्कार। 7 मई और जो हमारी महिला पहलवान बैठी है उनके समर्थन में एक सभी खापे अपनी समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचने वाले हैं और संडे का दिन, और उसी सिलसिले में राकेश टिकैत भी यहाँ पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं वहाँ पे राकेश टिकैत जी जस्ट उन्होंने एंट्री किया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दिन के करीब करीब 12 बजे जंतर मंतर पे क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ये राकेश टिकैत आपके सामने हैं जो आए हैं और बहुत बड़े तादाद में लोगों के आने की संभावना है। उसी कड़ी में राकेश टिकैत को आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, राकेश टिकैत आ चुके हैं और वो भी वहाँ पे पहलवानों के समर्थन में पहुँचे हैं। और जिस तरह से एक धरने के लिए आप एक चीज़ देख सकते हैं कि किस तरह से एक गलत आदमी को जब जनता चुन लेती है तो फिर उस गलत आदमी को जो उसने कृत्य किया है, खासकर महिलाओं ने जो यौन उत्पीड़न का जो उन पर आरोप लगाया है, जब आप किसी को चुन लेते हैं और जब वो गलत होता है तो उसको उतारने के लिए इतनी बड़ी आंदोलन करनी पड़ती है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी दिन के करीब 12 बजे हैं और बहुत बड़े तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं और जगह जगह बैरिगेटिंग भी लगी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से लोग अपना प्रदर्शन, अलग अलग तरीके के पोस्टर्स लेके यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये देखिए अलग अलग तरह की महिलाएँ पहुँची हैं और ये आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर में। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत बड़े तादाद में लोग पहुँचे हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं भी बैठी हुई हैं और बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एक गलत आदमी को चुन लेते हैं तो उसको सजा दिलवाना, उसके खिलाफ FIR करवाना कितना भारी पड़ता है, ये सब आपको समझना जरूरी है। और ये सिर्फ महिला पहलवानों के यौन शोषण का मामला नहीं हम कह सकते हैं, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा सीख है कि एक गलत आदमी को जब आप चुन लेते हैं तो गलत आदमी उसको गद्दी से, उसको कुर्सी से उतारने के लिए जनता को कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। इतना बड़ा आरोप है कि 7-7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया। आज के द वायर में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पूरी बयान छुपी है उन महिला पहलवानों की कि किस तरह से उनके साथ बृजभूषण शरण सिंह ने ये यौन शोषण पूरा किया। और आप देख सकते हैं यहाँ भी दिखाइए, पूरी तरीके से यहाँ पे महिलाएं भी पाई हुई हैं, पूरी तरीके से यहाँ महिलाएं भी आई हुई हैं और अपना पूरा सपोर्ट, पूरा समर्थन वो महिलाओं के, महिला पहलवान जो आवाज़ उठा रही हैं उनके लिए अपना पूरा दे रही हैं। तो आज 7 मई को जो बहुत बड़े पैमाने पे महिला पहलवानों के समर्थन में यहाँ पे हर जगह की खाप पंचायतें हो, सब कुछ हो, सब पंचायतें अपना समर्थन देने पहुँच रही है। लेकिन क्या इस देश की जनता ये सीख लेगी कि जब आप गलत आदमी को चुनते हैं तो उस गलत आदमी से छुटकारा पाने के लिए कितने बड़े पैमाने पे आपको संघर्ष की ज़रूरत है और दिन रात संघर्ष करने के बावजूद भी FIR लिखवाने तक के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। लेकिन जब FIR के लिए इतना संघर्ष है तो उसको सत्ता से उतारने के लिए या उसको कुर्सी से उतारने के लिए कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। तो ये जंतर मंतर का जो ये नज़ारा आप देख रहे हैं कि किस तरह से महिला पहलवानों का ये संघर्ष बदस्तूर जारी है। और ये महिला पहलवानों का संघर्ष नहीं है, ये संघर्ष है भारत के उन तमाम महिलाओं के लिए जो पता नहीं कब पीड़ित रही होंगी लेकिन मुंह से आवाज़ वो निकाल नहीं पा रही होंगी। और ये देखिए पोस्टर एक बार दोबारा से आप किस तरह से ये देख रहे हैं, आप अलग अलग तरीके का पोस्टर लेकर के महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं, पुरुष आए हुए हैं, हर तमाम तरह के खाप पंचायत के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो जंतर मंतर का ये नज़ारा अभी का दोबारा आपको अपडेट दूंगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, कौन कौन से लोग पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचना तो हालांकि बहुत मुश्किल कर रखा है, जगह जगह बॉर्डर्स पे सील बैरिगेटिंग लगा रखे हैं, लेकिन ये लड़ाई पूरे भारत के महिलाओं की इज्जत की लड़ाई बन गई है। अब ये लड़ाई बन गई है लोकतंत्र को बचाने का, ये लड़ाई बन गई है कि जब आप किसी गलत, जब आप अपराधी को सत्ता में लाते हैं या किसी अपराधी को आप चुनते हैं, किसी अपराधी को MLA MP चुनेंगे तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी आपको शायद न्याय नहीं मिल पड़ेगा। तो ये अपने आप में आपको सोचना पड़ेगा कि ये ठीक है या गलत है। नमस्कार।